ए बाबू इधर सुन ना, कहाँ आया है? बोका चोदा। बोंगा कोचा रे। बोका चोदा। बोंगा कोचा। बोका कोचा। बोका। तो गाइस रात करना, सब रात करना, दबाना ना भूले। दबाना ना भूले क्या? पत्थर को दबाना ना भूले गाइस, समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये प्रेमियों का पेड़ है। क्या क्या लिख के रखा है भैया? सो दोस्तों, अभी हम लोग है हाथमारी में, तो अभी हम लोग को जाना है इधर ये रोड में अंदर, और ये मेन रोड है दुमका साहिबगंज रोड। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ एक गांव हाथीगढ़, और इसके बाद कुछ ही दूर में है बोंगा कोचा, तो अभी हम लोग को इधर जाना है। तो अभी हम लोग हाथीगढ़ के बाद फिर इधर जाना है हम लोग को। तो ये देख सकते हैं थोड़ा रोड खराब है, और जाने में लगेगा कि शायद कहीं जंगल जा रहे हैं, पर जंगल जैसा ही मान के चलिए। और आगे जबरदस्त वाटरफॉल है, तो जाके दिखाते हैं अभी, तो बने रहिए इस वीडियो में कंटिन्यू। दोस्तों फाइनली हम बोंगा कोचा पहुंचने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं सिर्फ बादल ओहो, कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं होंठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच ही गए हैं, और जस्ट कुछ दूर है, तो अभी इधर जा रहे देख सकते हैं, और बस यहाँ से थोड़ा सा दूर, ज़्यादा नहीं, तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी ही सुंदर जंगल, और पेड़ सब देखिए कितना ही मस्त, बीच में रोड। सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी को फिर से और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं बोंगा कोचा, तो बोंगा कोचा में कैसा वाटरफॉल है और क्या क्या है ये सब दिखाएंगे अभी, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। और हमारे साथ और भी दो चार बच्चे लोग आए हुए हैं, तो इनसे इन लोग से भी मिलाते हैं, मिले होंगे पहले भी, फिर भी और एक बार मिला देते हैं, तो चलिए बात करते हैं इन लोग से। तो दोस्तों अभी ये बच्चा लोग से मिलाते हैं और पूछते हैं इन लोग से भी, ये लोग भी नया जगह आया है पहली बार, तो चलिए यही लोग का जीत की वजह से आए हैं, बहुत दिन से बोल रहा था कि चलो चलो चलो, तो आना पड़ा, तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए ये लोग आके थक गया है, तो थोड़ा पूछते हैं। अरे ए बाबू इधर सुन ना, कहाँ आया है? बोंगा चोदा। बोंगा कोचा रे। बोंगा चोदा। बोंगा कोचा। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं बोंगा कोचा, और क्या ये बताएं, अभी चढ़ना है हम लोग को ऊपर उधर मंदिर की तरफ, तो यहाँ का दिखाते हैं पहाड़ के ऊपर में जो मंदिर है, और इधर सामने दिखाई दे रहे होंगे जो कि बच्चे लोग, और क्या ये बताएं भैया, पानी वगैरह तो है नहीं, क्या सोचा था और क्या हो गया, पर है नहीं तो क्या करें, ये साल पानी ही नहीं हुआ, बारिश ही नहीं हुआ। तो चलिए अभी चलते हैं पहले उधर मंदिर की तरफ, और फिर चलेंगे उधर वाटरफॉल की तरफ। तो ये वाटरफॉल और क्या बोलते हैं मंदिर यहाँ पहाड़ों के बीच में है, और सीढ़ी सीढ़ी बना दिया गया है। थक गया। का व्यू वगैरह सब देख लिए हैं, अभी चल ये दिखाते हैं पानी कहाँ से बहता है।
तो पानी काफी कम है। कम क्या मतलब, ना के बराबर पानी है, क्योंकि ये साल पानी हुआ ही नहीं था, बारिश हुआ नहीं, इस वजह से पानी वगैरह है नहीं। फिर भी चलिए दिखा देते हैं आप सबको, अभी इधर चलना है। और ये भी देख सकते हैं, शहबाज हूँ मैं, ये भी यूट्यूबर है। काफी सुंदर सीन है भैया, क्या ही बताइए। यहाँ से पानी बहता था पर अभी पानी ही नहीं है, तो पत्थर को देख के थोड़ा दीदार कर लीजिए। तो बाबू कैसा रे, कैसा लग रहा है आके? मूड खराब हो गया, पानी नहीं है। उठ के बताओ क्या बोल रहा है। मूड खराब हो गया, पानी नहीं है। मूड खराब हो गया सके। तो गाइज इसका मूड खराब हो गया, ठीक है। तो मूड बनाने के लिए क्या क्या जाए तुमको? ये देख सकते हैं, ये प्रेमियों का पेड़ है। क्या क्या लिख के रखा है भैया, SM वगैरह वगैरह। दबाना ना भूले। क्या पत्थर को दबाना ना भूले गाइस, समझ सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट, और चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम लोग आके बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और पानी नहीं है। पानी रहता तो अभी मस्त से नहाते तो मजा आ जाता, लेकिन क्या ही बोले। सबसे दुख तो इस बच्चा का है, ये गमछा लेके आया था बोला कि नहाएंगे, पर बेचारा का सपना पूरा नहीं हुआ, मूड खराब हो गया। लेकिन ना पूरा इसका मूड खराब हो गया है, क्या ही बताइए भैया। तो चलिए अभी चलते हैं वापस घर के लिए। हैं कौन टायर ले ले ना, इटाई ये ले ले इधर से। इस एक पत्थर दिखाते हैं जो काफी ही गजब दिख रहा है, तो आप लोग को भी दिखा दे। तो गाइस ये पत्थर देखिए कितना ही वो कैसा दिख रहा है, लेकिन ना मानना पड़ेगा गजब। और इधर लोकल बच्चे लोग भी आ रहा है, कत चलाना रे बाबू, हैं पैरा लगी तैरने के लिए जा रहा है, वाह। तो गाइस अभी वापस हम लोग घर को चले हैं, क्या बोले मूड खराब हो गया। 12 लड़का साथ घूमे तेरा, अगर छेरा होला तेरा गोलखन कौन सा, घोड़ा लेके दौड़ा राजा कहूं कैसा गोलखन तोड़ता। साथ में आए हुए बंदे लोग का मूड ऑफ है, और देख सकते हैं सब एक एक पूल में बैठा है। क्या हो गया रे, चल घर नहीं जाएगा, पानी नहीं है तो नहाते, तो पानी रहता तो नहाते पानी। वो तो सबको मालूम है, नहाता सब नहाता, ये लोग सब नहाने के लिए ही आया था। अरे चुल्लू तो कुछ बोलता ही नहीं है। ये देखिए हमारा हीरो साहब, घर नहीं जाना है सर, घर नहीं जाएंगे सर इस साल। सो गाइस आप सबके बीच में पेश है शहबाज हूँ मैं, इधर आ भाई, और कुछ ये शायरी सुनाएगा, तो सुनिए शायरी क्या ही बोलता है। इसने कहा कि टमाटर लाल है, लाल तो तुम्हारा गाल है, किस भूल गया। चलो फिर से कोशिश करो। किसने कहा कि टमाटर लाल है, लाल तुम्हारा गाल है, पीछे मुड़ के देखो जाने मन, हमारे पीछे झरना का पानी। तो ये लोग देखिए फूल तोड़ के ला रहा है, किसको देना है रे? गर्लफ्रेंड को। किसको देना है? गर्लफ्रेंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या अपना रहे। सो गाइस आई लव यू सबको, मेरे तरफ से ये फूल का गुलदस्ता कबूल कर लीजिए, क्योंकि झरना में पानी नहीं था, मूड खराब है सबका, आप लोग भी देखो। गाइस हम लोग फाइनली घर निकल रहे हैं, अभी सच का घर जा रहे हैं, तब से बोल रहे घर जा रहे नहीं जा रहे थे, पर अभी सच में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर, और ये लोग भी फूल वगैरह कुछ कुछ ले लिया है थोड़ा बहुत, और चलिए फिर। अरे यार अपने आप जा रहे हैं।